हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एक्सेल फॉर्मूला ट्यूटोरियल की इस क्लास में। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडेक्स फंक्शन और मैच फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं उसे सिखाऊंगा। दोनों फंक्शन को सिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक शीट तैयार की है। इस शीट में सेल डिटेल्स है और ये सेल्स एग्जीक्यूटिव के नाम लिखे हैं, इनके आगे इनका एम्प्लॉय कोड लिखा हुआ है। एम्प्लॉय कोड हम इसलिए लिखते हैं कि यदि दो नाम एक जैसे हो तो हम उनको अलग अलग पहचान सके इस एम्प्लॉय कोड के ज़रिए। यहाँ पर कुछ आइटम्स है, ये आइटम्स के नीचे यहाँ पर कुछ फिगर्स लिखे हैं मैंने। इस फिगर्स का मतलब है कि रमेश, तुषार या हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव ने कितनी क्वांटिटी में इनको सेल किया है। जैसे तुषार ने 63 मॉनिटर्स सेल किए हैं, 40 माउस सेल किए हैं और ऐसे कीबोर्ड, यूपीएस और प्रिंटर को सेल किया है। अब हम इस शीट का यूज़ करके यहाँ पर एक समरी निकालेंगे जिसमें यहाँ पर किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव का नाम आएगा, आइटम का नाम आएगा और उसकी ऑटोमेटिक यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगी कि उसने कितनी क्वांटिटी को सेल किया है। क्वांटिटी को निकालने के लिए हम यहाँ पर मैच और इंडेक्स फंक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। तो पहले मैं मैच फंक्शन लगाता हूँ यहाँ पर J3 में = MATCH मैच फंक्शन। मैच फंक्शन एक्चुअल में इस रेंज से मैच करेगा इस नाम को कि I3 में जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव का नाम लिखा है उसकी पोजीशन इस रेंज में क्या है। जैसे मैच लुकअप वैल्यू, हमें लुक क्या करना है इस I3 को, कॉमा कहाँ करना है, लुकअप एरिया हमारा क्या है, तो ये हमारा लुकअप एरिया है। फिर कॉमा और इसके बाद मैच टाइप हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट हमें मैच चाहिए और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। अभी यहाँ पर #n/a आ रहा है क्योंकि हमारा जो I3 है नेम, ये अभी ब्लैंक है। अब मैं यहाँ पर यदि कोई नाम सिलेक्ट करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखी है डेटा वैलिडेशन के ज़रिए, और मैं यहाँ से Ramesh210 को सिलेक्ट करता हूँ तो उसकी पोजीशन जो है इस रेंज में वो एक नंबर की है। यदि मैं किसी और सिलेक्ट करता हूँ Ramesh212 को, तो Ramesh212 की पोजीशन जो है वो है पाँचवें नंबर की, 1, 2, 3, 4 and 5। अब हम मैच फंक्शन आइटम के आगे भी लगाते हैं J4 में = मैच लुकअप वैल्यू हमारी I4 कॉमा लुकअप एरिया अब हमारा ये होगा, कॉमा एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0 लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पर फिर से NA आ रहा है तो मैं यहाँ पर कोई आइटम को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ भी डेटा वैलिडेशन के ज़रिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है और मैं कीबोर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखिए कीबोर्ड की जो इस रेंज में पोजीशन है वो है तीसरे नंबर की, मतलब 1, 2 और 3। मैच फंक्शन के ज़रिए हमने इनकी पोजीशन पता लगा ली है। अब हम क्वांटिटी निकालना चाहते हैं तो क्वांटिटी निकालने के लिए हम यहाँ पर इंडेक्स और मैच फंक्शन दोनों लगाएंगे। आपको पता होगा एक्सेल में कोई भी फंक्शन लगाने के पहले हमें = का साइन लगाना होता है। = का साइन लगाने के बाद यहाँ पर फंक्शन लिखिए इंडेक्स। इंडेक्स में सबसे पहले पूछता है वो अरे, अरे मतलब होता है एरिया। हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी क्वांटिटी सेल की है, तो हम क्वांटिटी एरिया को सिलेक्ट करते हैं। इसमें आपको मॉनिटर, माउस और यूपीएस और प्रिंटर जो भी आइटम नाम लिखे हैं उनको छोड़ना है। यहाँ से आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव के नाम छोड़ना है, केवल आपको एरिया में क्वांटिटी रेंज को सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, रो नंबर। रो नंबर में हमने जो यहाँ पर नाम में जो मैच फंक्शन लगाया था हम इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ से F2 की दबा के फॉर्मूला एडिट मोड में जाने के बाद इस फंक्शन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद कॉमा के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद हम लगाएंगे फिर से कॉमा। कॉमा लगाने के बाद कॉलम नंबर की बारी आती है,
तो कॉलम नंबर में हमने जो आइटम के आगे मैच फंक्शन लगाया था हम इसको कॉपी कर लेंगे। तो उनकी दबा के एडिट बोर्ड में लाता हूँ और यहाँ से लेकर मैच तक कॉपी करता हूँ और इसके बाद मैं इस कॉमा के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब आप जस्ट एंटर की प्रेस करिए तो आप देखेंगे यहाँ पर 45 आ गया है। रमेश 212 ने कीबोर्ड टोटल 45 सेल किए हैं। रमेश 212 कीबोर्ड और ये 45। अब यदि हम यहाँ से नाम चेंज करते हैं, रमेश 212 जगह मैं हेमंत 218 करता हूँ और कीबोर्ड की जगह मैं यहाँ पर प्रिंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे 35 आ गया है। 218 मतलब ये हेमंत और प्रिंटर मतलब ये वाला कॉलम, तो यहाँ पर 35 ऑटोमेटिक इसने पिक कर लिया है। तो फ्रेंड बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पावरफुल फंक्शन है मैच फंक्शन और इंडेक्स फंक्शन का कॉम्बिनेशन बनाकर यूज़ करना। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको मैच फंक्शन और इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करके कमीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी सिखाऊंगा। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए और मेरे बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जहां मैंने बहुत सारे इन फंक्शंस सिखाए हैं।